वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल को भी दबाइए ताकि आपके पास मेरी हर नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आ जाए और ये बिल्कुल फ्री है, इसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका त्यागी और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मोनिकाज किचन में। तो आज फिर मैं आपके साथ अपनी एक न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि है स्वीट पैनकेक। ये आटे से बनने वाला बहुत ही टेस्टी और हेल्थी नाश्ता होगा। आप इसे ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं, बच्चों के टिफिन के लिए बना सकते हैं या फिर आप इसे इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी बनाकर खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनता है और आप इसे सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने चैनल पर आपके लिए इसी तरह की इजी और स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं और आप मेरी सभी रेसिपीज को देखना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, मेरी वीडियो के नीचे इस एरो पर क्लिक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा और आपको एक लिंक नजर आएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप मेरी सभी रेसिपीज को आसानी से देख सकते हैं। मेरे यहाँ पर इसे बारिश के मौसम में और सर्दियों के मौसम में बड़े ही चाव से खाया जाता है। आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे स्टफिंग के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको स्टफिंग वाले पैनकेक की रेसिपी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, मैं वो भी आपके साथ जल्द ही शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज आप मेरे तरीके से मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही स्वादिष्ट ये बरसात के मौसम की खास रेसिपी। तो इस पैनकेक को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया है जिसके अंदर मैं 1 कप गेहूं का आटा डाल दूंगी। आप चाहे तो मैदा भी यूज कर सकते हैं लेकिन आटे से ये हेल्थी होगा। और यहाँ पर मैंने 1/2 कप पिसी हुई चीनी ली है। चीनी की मात्रा आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने करीब 2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल लिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बारीक कटे हुए, किशमिश और बादाम जिसमें काजू मैंने लिया है, और इसके साथ ही 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पर ये सौंफ पाउडर लूंगी। अब इन सभी को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके बाद हम इसके अंदर यहाँ पर ये दूध ऐड करेंगे। तो मैंने जिस कप से आटा लिया है सेम कप से यहाँ पर 1 कप दूध लिया है। इसे डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध की जगह पर आप पानी का भी यूज कर सकते हैं। आप सारा दूध एकदम से इसके अंदर ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाइए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप सारा दूध इसके अंदर एकदम से डाल देंगे तो आपका जो बैटर है उसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए, इसे मिक्स करने के बाद एक बार आप चेक कीजिए कि ये थिक तो नहीं है। तो मुझे यहाँ पर ये थोड़ा थिक लग रहा है तो मैं इसके अंदर 1/4 कप दूध और डाल दूंगी। तो 1/4 कप दूध मैंने इसके लिए यूज किया है। आप चाहें तो 1/2 दूध और 1/2 पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको प्लेट से कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के बाद हम अपने बैटर को चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका बैटर थोड़ा थिक हो चुका है तो आप इसके अंदर थोड़ा दूध या पानी डाल सकते हैं। ये आपके आटे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका आटा मोटा है तो आपको कम से कम 1.5 कप पानी या दूध की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपका आटा पतला है या मीडियम है तो आपका जो बैटर है वो इतने ही दूध से एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके का हमारा बैटर होना चाहिए। तो ये बैटर हमारा बनकर तैयार है। अब हम अपने पैनकेक बना लेंगे। तो अब पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अपना पैन गैस पर रख दिया और गैस ऑन कर दी है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, आप चाहें तो तेल भी यूज कर सकते हैं। इसे डालकर आप अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लीजिए। अब इस बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे और जब हमारा पैन अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद हम इस तरीके से बैटर इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, गैस का फ्लेम मैंने अभी तक मीडियम रखा था क्योंकि मुझे जो अपना पैन है वो अच्छी तरह से हीट करना था, और अब मैं लो फ्लेम पर इसको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लूंगी। ये देखिए, 2 मिनट बाद हम इसको इस तरीके से टर्न कर लेंगे और अब दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखा है हमने, और अब 2-3 मिनट के बाद आप इसको दोनों तरफ से उलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लीजिए।
तो एक पैनकेक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ठीक इसी तरीके से हम बाकी के पैनकेक भी बनाकर तैयार कर लेंगे। जब आप इसके अंदर बैटर डालते हैं तो आपका पैन जो है वो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और उसके बाद आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें ताकि जो पैनकेक है वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। और उसके बाद आप इसको इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करते हुए अच्छे से पका लीजिए। तो बहुत ही स्वादिष्ट आपका पैनकेक बनकर सर्व करने के लिए तैयार होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाइए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, कई जगहों पर इसे आटे का मीठा चिल्ला भी कहा जाता है, तो उठाइए इस बरसात के मौसम में आप भी इस आटे के मीठे चिल्ले का लुत्फ और अपने अनुभव हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।